ना हाइट डाइट को ज्यादा ध्यान दिया, बस एक ये हफ्ते तो के लिए आई वॉज फॉर 1 वीक विथ माई डॉटर्स। हाँ हाँ तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो ही जाता है बच्चों के साथ, बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनको हर चीज गलत लगता है मम्मी का। वो बड़े कैसे होंगे? अपने आप तो नहीं हुए, ऑफ कोर्स दे आर वेरी सीन, कितनी वन इज पाठ 37। पूजा, कितनी पाठ पूजा करी होगी आपने कि वो बड़े हो जाएं, और अब बिल्कुल आप बड़े हो गए तो आप बोलते देखे बड़े हो गए, अब मेरी बात नहीं मानते। कोई बात नहीं, छोड़ बात दीजिए। मानने का नहीं है, दे फाइंड सो मच ऑफ फॉल्ट्स। अभी मम्मी ऐसे करती है। हाँ तो अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है? आप उस पर रिएक्ट ना करें, आप समझे वो प्यार है, क्या यही प्यार जी ही जी है। चलिए यहां से आज का सिलसिला शुरू करेंगे। देयर इज एको इन द वॉइस। चलिए सबको म्यूट कर डालती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, एंड आई होप टुडे वी हैव, आई होप नहीं, आई नो टुडे वी विल हैव अ ब्रिलियंट डे। वी आर स्टार्टिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि क्या होता है कई बार जिंदगी में हम सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, जैसे सुजाता ने कहा, पर कई बार ऐसा होता नहीं, मतलब कई बार हमसे गलतियां हो जाती, एंड समटाइम्स ऐसा भी नहीं कि हमसे गलतियां हुई हैं। पता है क्या है, व्हेन वी आर लिविंग आर लाइफ, हो सकता है दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लिविंग आवर लाइफ। मतलब ऐसा कौन सा इंसान है जो गलतियां नहीं करता? फटाफट चैट बॉक्स के अंदर डालिए मिस्टेक्स का मतलब तुम्हारे लिए क्या है, फटाफट डालिए चैट बॉक्स के अंदर। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है जो तुम्हें लगता है तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारी सोसाइटी को पसंद नहीं आएगा, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा तुमसे हो गया है? हाँ सुजाता, बहुत कहते हैं आई विल लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, बट रियलिटी में क्या है? मुझे रियलिटी चाहिए, ये रियलिटी चेक है आज। आपसे गलती हो जाती है तो उसका मतलब आप अपने आप से क्या गुफ्तगू करते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, किस तरीके से अपने आप को पीटते हैं, किस तरीके से अपने आप को या दूसरे इंसान को पीटते हैं आप। वेरी गुड, लिखते जाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सो फार वी विल गो ऑन टू द स्लाइड सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले गिल्ट एक इमोशन है, जैसे सैडनेस इमोशन है ऐसे गिल्ट भी एक इमोशन है। इमोशन का मतलब क्या है? मीना थोड़ा भावनाएं। लेगी समोसा, नहीं मुझे मीना भेज दो लेगी। समोसा, मुझे भेज दो प्लीज। अरे मेरी आवाज आ रही, हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी, आप समोसे भेज रही हैं, हमारे को नहीं भेज रही है, तो गलत हो गया ना गिरिजा जी। सबके लिए भेजो यहाँ पे, फिर मजा आएगा। चलिए, आई एम योर गाइड डॉक्टर अनु मेहता फ्रॉम मुंबई इंडिया, आई हैव डन माय पीएचडी इन फिलोसफी, आई एम इंडियाज फर्स्ट मास्टर ट्रेनर इन मेटा हेल्थ मैट्रिक्स इम्प्रिंटिंग एडवांस क्लियरिंग एनर्जेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मेडिसिन, आई हैव डन माय मास्टर्स इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड क्लोथिंग फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, आई ऑल्सो ट्रेन इन साउंड हीलिंग, कलर थेरेपी, आर्ट थेरेपी, आई लव कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, और दिल से कहती हूँ ये। पता नहीं आपको महसूस होता है कि नहीं होता, पर आपको मिलने के लिए मैं काफी बेकरार रहती हूँ, एंड टुडे वी नीड टू एक्नॉलेज एंजेला हु इज होल्डिंग दिस शो टुगेदर, एंड शी इज होल्डिंग, एनर्जी होल्ड करने वाला भी चाहिए होता है, और जो आपको पीछे से ऐसे कहे कि मैं हूं ना, सो शी इज माई शाहरुख खान स्टैंडिंग राइट बिहाइंड अ लिटिल एंजल होल्डिंग द ग्रुप टुगेदर। गेट सेट अप इज यूज टू लर्न यूजफुल स्किल्स फ्रॉम ईच अदर, और वाकई जब आप पढ़ाते हो दैट्स द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली लर्न एंड कनेक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे, क्योंकि आपको आपकी समझ किसी तक पहुंचानी होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास इज अवेलेबल इफ यू ईमेल एट help@getsetup.io और डाउनलोड द एंड्रॉइड ऐप फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। इफ यू आर ज्वाइनिंग बाय लाइव स्ट्रीम द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इज टू ज्वाइन अस एंड रजिस्टर फॉर अ क्लास। गेट सेट अप इज नॉट पेड टू प्रमोट एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। आज हम सीखेंगे कि गिल्ट और शेम होती क्या है,
अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ गिल्ट एंड शेम और हम ये गिल्ट एंड शेम के साथ डील कैसे करेंगे. एज यूजुअल आई विल ask you and invite you to play with me, which means hum ikatthe milke kuch kuch hamari zindagi ki takleefon ko aage piche karenge, unhe samjhenge, unhe kya bolte hain, bistre ke niche nahi dal denge, carpet ke niche nahi dal denge, unko ek side pe aise rakhe nahi rahenge, unka kuch karenge. To thoda sa aapko iske upar de deti hu before we get into the demonstration. Sabse pehle guilt kya hai. गिल्ट एक वो फीलिंग है जहां आपको लगता है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. जैसे कि मुझे बहुत अच्छे मदर होना था पर मैं मेरे बच्चे को उतने अच्छे से रख नहीं पाई शायद, तो मुझे मेरे को उदासी महसूस होती है, घबराहट होती है. अब ये चीज रियलिटी में हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है. कहने का तात्पर्य ये है कि सामने वाला इंसान शायद हमें देख के ये कह रहा है कि हाउ नाइस शी इज, हमने शायद कोई गलती करी ही नहीं है उनके मुताबिक, पर हमारे मुताबिक हमने वो नहीं किया है जितने जिस स्टैंडर्ड तक हमें लगा कि हमें पहुंचना चाहिए. हमें लगता है कि हमने कोई मिस्टेक करी है और क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारा एक्शन और बिहेवियर चेंज हो जाता है. अब दो मिनट के लिए सोचिए. चलिए यहाँ पे एक गेम खेलते हैं. Who will play with me? आ जाइए सुजात. अनम्यूट कीजिए सुजाता. Yes. यहाँ पे हमने एक गेम खेलनी है सुजाता. आपको कोई चीज ऐसी टच कर गई है जिसकी वजह से यू आर फीलिंग गिल्ट एंड शेम. दो अलग चीजें हैं ये. शेम का मतलब कि मैं दागीली हूं, गिल्ट का मतलब मुझसे गलती हो गई. ठीक है, अब आप चूज करेंगी कि कौन सी वाली. और चलिए शेम लेते हैं. यू आर फीलिंग अशेम्ड और शेम बिकॉज ऑफ समथिंग. उस भावना को ऊपर लेके आइए और इमेजिन कीजिए आप अपनी बच्चियों से बात कर रही हैं. आप किस तरीके से बात करेंगी उनसे अगर आप शेम फील कर रही हैं? हाउ विल यू टॉक टू देम इफ आई एम योर डॉटर, हाउ विल यू टॉक टू देम इफ यू आर फीलिंग शेम? आई विल फील लाइक आई डिड अ मिस्टेक बट आई विल फील हाउ टू आई डोंट नो हाउ आई विल कन्विंस देम कि यस आई हैव डन दैट मिस्टेक. I want all of you to look at Sujata's face. She's so beautiful. The expression is on her face. Pachtawa lag raha hai inki shakal pe. Gehrai lag rahi hai. Emotions feel ho rahe hain. Aur waqai mein pachtawa hai ki main kaise apni bachiyon ko bataun ki mujhse ye galti ho gayi. पछतावा क्योंकि ये वाली शक्ल बन रही है हमारी. कैन इट बी अ पॉजिटिव इमोशन? नो, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इमोशन. नहीं है ना? नहीं, इट्स नॉट फील गुड एट ऑल. इट्स नॉट दैट फील गुड. नो, यू डोंट फील गुड. यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट जोन. यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट अनकंफर्टेबलनेस. वेरी गुड सुजाता. अब आप 2 सेकंड के लिए सोचिए कि आपको शेम इसलिए है क्योंकि आपको आपकी दुनिया ने एंड सोसाइटी ने कहा है कि इस तरीके से जिंदगी जीनी है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और वहां से आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि यू मस्टंट क्रॉस दिस लाइन, लाइन LOC वाली. इसके उस जाओगी तो ऐसे लगेगा कि तुम किसी और कंट्री में पहुंच गई. यू हैव गॉन इनटू अ अननोन लैंड और आप अपने आप से ये कह रही हैं कि मुझे तो मिस्टेक करना अलाउड ही नहीं. Yes. क्या बदला सुजाता 2 सेकंड के अंदर? समझाइए व्हाट चेंज फॉर यू. Can do mistakes, but it should not hurt anybody.
not किसी का हर्ट होना और किसी का खुश होना आपके हाथ में है ही नहीं। पहले आप ये समझ लें, आपका खुश होना आपका उदास होना सिर्फ आपके हाथ में है। I can cross the boundaries of mistakes and I can be comfortable with myself with whatever I do. शाबाश, बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि there is no person on this world, including the lords, Lord Krishna, Lord Jesus Christ, Allah, ऐसा कोई नहीं है जिसने गलती नहीं करी। अगर हमसे गलती हो गई है तो वी कैन सिट डाउन एनालाइज एंड टेल आवरसेल्फ्स हो गया यार, माफ कर देते हैं। हम तो पकड़ के रख लेते हैं, वेरी ट्रू, ऐसे पकड़ के रखते हैं। ये आपकी थीम के साथ बिल्कुल जाता है सुजाता, कि आपकी बच्चियों को लगा आप कुछ सही करती ही नहीं है। बचपना बहुत है, दे इज ऑलवेज से दैट एकदम चाइल्डिश हूं। तो क्या गलत है? बिल्कुल, दैट इज तो क्या गलत है? दैट इज माय नेचर। बिल्कुल, तो क्या गलत है? कोई सनफ्लावर को देख के कहे कि ये येलो कलर का है, ये तो हिलता है सन को देख के, तो क्या गलत है? ये अगर तुम्हारी नेचर है तो क्या गलत है? अगर उनको गलत लगता है तो क्या गलत है? तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है कि they want to mold me into a person, but no, I cannot be that person. No, Sujata, it's not like this. You want to be right in their life. Decide today, Sujata, do you want to be their mother or do you want to be Miss Right in their life? Want to be their mother, not Miss Right. बस बात खत्म। तुमको प्यार का रिश्ता मेंटेन करना है, माफ कर दो यार खुद को। उनको नहीं माफ करना है, वो उनका नजरिया है, अपने आप को। और माफ भी क्यों करना है? क्योंकि गलतियां वो जगह है जहां से हम सीखते हैं। ऐसा इंसान जो गलती नहीं करता वो जिंदगी ही नहीं जीता। Be proud of the mistakes you did. तुमने किया, तुमने खड़े होके कहा मुझसे हो गया। Even जब कोई किसी की जान ले लेता है, अगर पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है तो उसको पनिश कुछ साल तक करती है, लाइफ इम्प्रिजन भी मिलती है, लेकिन उसके बाद इंसान 25-30 साल के बाद बाहर आता है। किसी का क्या कसूर? अगर आपने पुलिस खुद ही बन गए हो और अपने आप को एक जेल में बंद कर लिया है जो सारी जिंदगी की जेल है, किसी का क्या कसूर? और तुम बंद करने चली हो अपने आप को उस जेल में जहां आपके बच्चे आपको मिस राइट बना ले, या तो आप मिस रॉन्ग होके खुश रह सकती हैं, उनको राइट करते जाइए, आपका क्या प्रॉब्लम? वो भी खुश, आप भी खुश। यू नो हु यू आर। और अगर हम अपने आप को ये भी समझा गए मिस्टेक अच्छी है, कोई बात नहीं हुई थी, उससे हम सीखेंगे। अब सुजाता, आपने अपनी बच्चियों से क्या सीखा? पहले पड़ाव में आप उनको सिखा रही थी, सेकंड पड़ाव में वो तुमको सिखा रही, तो उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? चलिए फटाफट, एंड अदर्स कैन स्टार्ट राइटिंग इन द चैट, व्हाट डू यू थिंक सुजाता लर्न्ड फ्रॉम हर डॉटर्स? फटाफट चैट में लिखिए, व्हाट डू यू थिंक सुजाता लर्न्ड फ्रॉम हर डॉटर्स? We need our space, they need their space, and we should not indulge in their life, or they should not compel anybody else to do what they want me to do. Jyada intelligence nahi hona chahiye. We should give our space also equally.
लाइक बहुत सारे इंसिडेंट्स में हम इंडल्ज हो जाते हैं, बच्चे हैं करके. वी शुड लेट देम आल्सो एक्सपीरियंस एंड ग्रो इन देयर ओन फील्ड. कितनी सुजाता आपने अच्छी बात करी. पहले तो वो बच्चियां नहीं रही हैं अगर उनकी शादियां हो गई. यस दे आर एडल्ट्स, ठीक है. यस. और दूसरा आपने कहा वी मस्ट गिव देम स्पेस, हमें उन्हें स्पेस देनी चाहिए और हमें अपने लिए भी स्पेस लेनी चाहिए. अब आपके पास चॉइस है कि आपने इस स्पेस में इतनी स्पेस क्रिएट कर ली कि अब हम एक दूसरे को मिल ही नहीं सकते क्योंकि आपको रॉन्ग होना अच्छा नहीं लगता. I don't like to be wrong. I like to be misright all the time. That is just not possible. That is like saying it is very impossible to do all the time right. Shabash. So can I say I can allow myself to be wrong sometimes? Sometimes I can allow myself to, I don't have to be that 100% perfect. I can be 70-30, 60-40. It is according to their same situation. When they are happy, they take it. When they are not happy, they don't take it. Same situation hota hai. Same galti hota hai. Absolutely. So they take it according to their mood and the situation or people around them. So it can, I am and I'm comfortable with what I do. I'm really happy. Can I allow myself to be wrong sometimes? Yes or no? Yes. Shabash. Can we all write that down? Hum bhi galat ho sakte hain. Hum se bhi galtiyan ho sakti hain. 100%. Best of the experts se galtiyan ho sakti hain. Bilkul. Accidents aise hi hote hain na? Haan ji. Koi apne aap to jaake accident karke nahi aata. Nahi. हो जाता है यार. अभी गाड़ी मैंने पार्क किया हुआ था, गाड़ी पार्क करके मैं ऑपोजिट साइड से गाड़ियां दिख रही है आते, पीछे से आते हुए दिख रही है. अभी आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है बट एक स्कूटर वाला आता है, वो सामने राइट साइड वाला शीशा मार देता है. हो गया यार. यस हो गया. वो हमारा कोई गलती नहीं, मैं तो राइट पार्क करके खड़ी हूँ. 1 मिनट यही पे रुकना है. आप फिर से क्या ढूंढ रही हैं? गलतियां. शाबाश. आपका माइंडसेट क्या है कि मैं राइट हूं, वो वाले ने गलती कर दी, मुझसे नहीं हुआ. ये करेक्ट. पर क्यों? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी राइट? सब आंसर लिखे इसका. व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? सुजाता को राइट क्यों होना है? वो अपने आप को राइट करते करते वो स्कूटर वाले को भी गलत ठहरा रही है. मैं नहीं कह रही उससे गलती नहीं हुई, बट व्हाट हैड इट गॉट टू डू विद हर बीइंग राइट? बार बार यही अपने आप को कहना कि मैं गलत नहीं हूँ. नहीं, फिर तो आप गलत ठहरा रही है ना आपको. आपने एक बार भी एफर्मेशन में ये नहीं कहा कि मैं इंसान हूं. Yes. आपने तो ये कहा मैं गलत नहीं हूँ. मींस मैं गलत हूँ. बिकॉज द माइंड डज नॉट प्रोसेस द वर्ड नो. चलिए सबके लिए ये एक्टिविटी है. ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज. एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. और इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने लाल रंग के हाथी को रेनबो कलर का पानी पीते हुए नहीं देखना है. फिर से इंस्ट्रक्शन देती हूं. आपने लाल रंग के हाथी को रेनबो कलर का पानी पीते हुए नहीं देखना है. आई रिपीट इन इंग्लिश. You do not have to see a red color elephant drinking rainbow color water. Please do not see
red color elephant drinking rainbow color water. I want everybody to share their experience. Nirmal ji, kya hua? Apne aap se guftugu na kare. Hanji. Unmute kare, unmute. Unmute kare. Hanji. मैडम रेड कलर का हाथी होता ही नहीं है. हाँ तो क्या हुआ, आपको दिखाई दिया कि नहीं? नहीं. अच्छा, आपने जो ये कहा कि नहीं दिख नहीं होता है, तो आपने अपने दिमाग से कहा कि ऐसे ही होना चाहिए. सही है. मैंने कब कहा कि होता है? मैंने तो सिर्फ आपको कहा कि लाल रंग के हाथी को रेनबो कलर का पानी पीते हुए नहीं देखना है. आपने देखा और उसके बाद कहा कि ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं देख नहीं सकती. ऐसे ही सुजाता ने देखा कि उसकी बच्चियां सही हैं और उसने फिर कहा ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे सही होते और माँ बाप गलत होते हैं, इसलिए इसने कहा कि ऐसा तो होता ही नहीं. कुछ समझे क्या? क्या समझे निर्मल जी? यही सोचते हैं, यही कि हम अपनी गलती नहीं मानते. हमारा दिमाग नो प्रोसेस ही नहीं करता है. थैंक यू फजिला. आपको क्या महसूस हुआ? अनु अंजी, I tried to see the red, imagine the red hathi not going to the colored water, rainbow water, but there was another bowl of blue water. I was trying to make him go towards the blue water and drink. Thank you. मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी बच्चियां वहां तक पहुंचे जहां मैं चाहती हूं कि वो पहुंचे. We are stuck in our head. क्योंकि हमें बोला गया ऐसे ही होता है, ऐसा ही है, इसके अलग कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम कुछ और देखने की कोशिश ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं करते. हमने पहले रेनबो कलर का पानी देखा, फिर नीले रंग का पानी देखा और फिर हम उसको पानी तक लेके गए. Are you getting it? Our mind did not process no. Chaliye, who is next? Who is going to tell us? Who is next? Okay. Yes. I want you to get this much. It's not about, life is not about being right or wrong. जिंदगी जिंदगी है. हमने जिंदगी को स्टीरियोटाइप में डाल लिया है. बहू है तो उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, डॉटर है तो उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, आदमी है तो वो बाहर जाके सो भी गया तो इट इज ओके, एक्सपीरियंस नाप रहा है, औरत है वो बाहर चली गई तो शर्मनाक है. एक्ट सेम था, इमोशन अलग थी. कुछ समझ रहे हैं? एक्ट सेम था. चलिए एक सिचुएशन लेते हैं जहां पे एक आदमी है औरत है, आदमी औरत की बिल्कुल बनती नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ है, आदमी की गर्लफ्रेंड है बाहर, बीवी को उसने छोड़ा नहीं है लेकिन उसके शारीरिक संबंध दूसरी औरत के साथ है, अपनी वाइफ के साथ नहीं है. वाइफ को पता है, ये सबको पता है, ये Does he feel guilty? देखिए आंसर फटाफट चैट में. Does he feel guilty? Yes or no? मंजुश्री कहती है नो, ज्योत्सना कहती है यस, सुजाता कहती है नो. कंटिन्यू राइटिंग. बस तीन लोग हैं क्या? Very correct. Not guilty. Court कहता है ना not guilty. ऐसे आप लोग subjects बैठे हो जो इस situation को देख रहे हो.
guilty or not guilty, shameful or not shameful. Shabash, Jyoti kehti hai, depends on the individual. अब चलते हैं बचपन के पास, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. मतलब अगर आपके माँ बाप ने आपको कैसे पाला था और उन्होंने आपको क्या सीख दी, दैट विल हैव अ बिग इनपुट ओवर हियर. मतलब क्या, अगर फर्स्ट सिक्स इयर्स ऑफ योर लाइफ, अगर फर्स्ट सिक्स इयर्स ऑफ योर लाइफ आपके माँ बाप ने आपको 24 घंटे या तो सही करार दिया है और कभी 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 भी आपको गलत ठहराया ही नहीं है, तो आपको गलत होना आता ही नहीं है और आपको लगता है गलत होने का मतलब शेमफुल है. Has taught no guilt for anything. Annu, मैं बोलूं? अनु, एक सिचुएशन में देती हूँ, इसमें आप क्या बोलते हैं वो बताइए. एक पत्नी जब अपने पति को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना है. एक पत्नी जब, एक मिनट में रिपीट कर देती हूँ जोचना, ताकि सबको सुनाई दे जाए. एक पत्नी जब अपने पति को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं रखने हैं, तो अगर वो आदमी बोलता है कि मैं ठीक है तुमसे, तुमको कभी मैं तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन क्या क्या क्या, आई विल नेवर टच यू. ओके, आदमी कहता है, उसको प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसे हाथ नहीं लगाएगा. But if I go out, you should not object. हाँ? But if I have relations with others, you should not object. अगर मैं कहीं बाहर जाऊं किसी और के पास, तो तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए. तो ये सिचुएशन कैसा है आपके आपके हिसाब से, हाउ डू यू एनालाइज इट? वन वेरी गुड क्वेश्चन. Let's analyze it. किसकी आपकी कहानी है क्या जोत्सना, ये आपकी कहानी है कि किसी और की है? नहीं, किसी और की है. तो फिर कोई फायदा नहीं. ओहो. हाँ, क्योंकि हर इंसान का नजरिया अलग होगा, उसकी परवरिश पे डिपेंड करेगा और कंट्री पे डिपेंड करेगा, कल्चर पे डिपेंड करेगा. जो चीजें स्टैंडर्ड है ही नहीं, वहां पे हम गिल्ट मान के अपनी जिंदगी खराब करते हैं. आई होप यू गॉट योर आंसर. घर घर से फर्क पड़ेगा, दो बहनों के बीच में फर्क पड़ेगा, आपका नजरिया कैसा है देखने का और आपकी जिंदगी का रुख आपने कैसे लेना है वो आपकी मर्जी. हाउ कैन वी एनालाइज फॉर समवन एल्स? We can't analyze for someone else till it is their story. Acha, who will play with me? Let's work on this. Tapping karenge aaj. Five fingers are not the same. It's not about five fingers, Manjushri. It's about from main jahan se dekh rahi hoon, wahan se har insaan usi cheez ko alag tarike se dekh raha hai. Let's do a little bit of an experiment here. Theek hai? इन्होंने बताया कि आदमी ने कहा कि मैं बाहर, उसने उसको नहीं कहा कि मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा क्योंकि तूने मुझे कहा कि आई डोंट वांट, उसकी बात को रिस्पेक्ट किया है उसने, पर उसकी खुद की नीड है जिसके लिए उसने कहा फिर मैं बाहर जाऊंगा. मैं अगर ये एक्सेप्ट कर रहा हूं तो तुमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. नेगोशिएट कर रहा है, किसी को पसंद होगा किसी को नहीं होगा, इसमें राइट रॉन्ग की बात ही नहीं आती ना. इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट इज अ नेगोशिएशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल. हम बाहर से देखने वाले कौन है, मॉरल यार्ड स्टिक लेके ऐसे लगता है जैसे क्रिकेट के मैदान में हम कुर्सियों पे बैठे
देख रहे हैं क्रिकेटर्स को खेलते हुए, और जब क्रिकेटर ने चार नहीं बजाया तो हम कह रहे हो थोड़ा और जोर से मारता चार लग जाता, छह मारता तो और भी बेटर होता। आपकी प्रोग्रेसिव सोच है, आप ऐसा सोच रहे हो, पर दुनिया तो ऐसा नहीं सोचती। यू नो मेनी मेनी टाइम्स इफ योर चिल्ड्रन से यू गो हेड एंड डेट समबडी, योर हस्बैंड इज नॉट टचिंग यू फिजिकली फ्रॉम 2011, ही हैज टेकन संन्यास। So people, children will say that is up to me, or I'm saying my own thing since I'm an open book. But society will say, oh, this is very bad. My husband will say, go ahead, you know, you meet somebody, good, I will find for you, you know. But then everybody will make you feel so guilty, unnecessarily. Thank you. Yes. Stop. Yes. Stop, Ruchik. पहले तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम इसका जवाब क्या। आपने अज्यूम किया कि मैंने इस चीज को अप्रूव किया। फर्स्ट अजम्पशन, आई सेड आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज नाउ इट इज योर प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज यू सीइंग इट्स माइन, आई कैन सॉल्व इट बट नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज इट विल टेक मी 3 hours टू सॉर्ट इट आउट रुचिका। सेकेंडली, why you want to please the whole world, yourself, husband and the society? Not possible. Yes, your guilt is cried. That's why I cried in the morning that they are, you know, unnecessary copying me, you know, they are, main apna strength bada rahi hu physically and they are you know teasing me. I cried where I'm not respected, I will not go. So this is the situation, you know, they will try and, you know, be pally with me and then laugh at me only if I push them away. So this is the scenario of the society that I want to state. That's all. It is up to my integrity whether I choose what kind of life I want to choose. Feeling better? Yeah. I am good. Okay. You know why she's feeling better? Very good. You know why she's feeling better? Because she's able to express herself loudly. जितने लोग यहाँ बैठे हुए उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, बट दीज आर ऑल्सो द सोसाइटी। इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू चूज। इफ यू आर वांटिंग 8.25 बिलियन पीपल टू से यस रुचिका यू आर राइट, इट इजंट एवर गोइंग टू हैपन फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। आप शायद एक भी इंसान बोलेगा कि तुम गलत हो तो तुम रो पड़ोगी। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस टू बी रॉन्ग? लेट्स डू टैपिंग ऑन दिस। चलिए, वी हैव 10 मिनट्स ऑफ टैपिंग टाइम। वे वी टैप ऑन, इट्स ओके टू बी रॉन्ग। मैं गिल्ट पकड़ ही नहीं रही हूं, ये रॉन्ग और राइट की कहानी है आपकी। ओके, चलिए टैपिंग यहां से शुरू करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द सेकेंड स्टेप, दिस इज द थर्ड वन। स्टेप्स दिखा रही हूं आपको, फोर्थ वन। और बहुत हल्के से अपने आप को पीटना नहीं है, बहुत हल्के से अंडर द आईज, अंडर द नोज। टैपिंग करते करते आपको आवासी आ सकती है, बर्पिंग हो सकती है, बेल्जिंग हो सकती है, नींद आ सकती है, इट इज ऑल ओके। चिन एरिया, वेरी गुड। ये जो आपकी कॉलर बोन है इसके यहाँ पे जो फ्लैट एरिया है उसके ऊपर, यहाँ पे ग्लैंड रहता है हार्ट का, इसको बोलते हैं थाइमस, उसके ऊपर सीधा ऐसे। ये आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आज हम इस्तेमाल करेंगे राइट और रॉन्ग की स्टोरी। यहाँ पे जहां ब्रास स्ट्रैप होता है वहां पे वेरी गुड फॉर ब्लड प्रॉब्लम्स, वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। This is the spleen area. Shabash.
फिंगर टिप्स आप ऐसे भी कर सकते हो. एंड ये वाला पॉइंट बहुत ही बढ़िया, अगर आप दिन में 3-4 बार ये एक्सरसाइज करें तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपकी मेमोरी और बहुत कुछ और बहुत ही बढ़िया रह सकता. वेरी सिंपल एक्सरसाइज. अब हम इनके साथ वी विल पुट वसीला, दैट्स अ डिफरेंट एक्सरसाइज. दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज. टैपिंग इज नॉट ऑन द होल बॉडी. Okay, that's a different exercise. That is Donna Eden's type. That's a very different exercise. We will try getting it in the next month for you all. Okay? But right now, this and then over here. Let's start with right here. Even though, mere saath kahenge aap log, even though I am wrong at times, it's okay. मैं कभी कभी गलतियां करती हूं. और वो ठीक है, कई बार गलतियां करती हूं. इट्स ओके. क्या कोई भी ऐसा इंसान है जो 100% राइट हो सकता है 100% ऑफ टाइम? आपको ऐसा इंसान बनना है? थोड़े अजीबे हो आप लोग सब, क्या करें. Even though I am wrong at times, I love and accept myself. Even though I am wrong at times, I love and accept myself. Upar. Even though I am wrong at times, deep breath le, saans lena na bhule. Even though I am wrong at times, it just shows I'm a human being. Even though I am wrong at times, that just shows I'm a human being. Even though I am wrong at times, I love and accept myself. Even though I'm wrong at times, I love and accept myself. आँखों के बीच में. Even though I'm wrong at times, take a deep breath. Even though I'm wrong most of the times, because there is nothing called wrong or right, I accept and love myself. Side of the eyes. Even though I'm wrong at times and I cannot accept myself, I can still try to accept myself sometimes. Even though I am wrong at times and I find it very difficult to accept that I can be wrong, I still try to love and accept myself anyways. Even though I am wrong at times and I hate to be wrong anytime. Deep breath. I love and respect myself anyways. Under the eyes, even though I'm wrong at times, because I don't know anyone who can be right all the time. I still love and accept myself anyways, even though I'm wrong at times. Deep breath, even though I'm wrong at times, I can try to love and accept myself anyways, even though I'm wrong at times. And my daughters also say you are wrong. It's okay. It's their opinion. And maybe I'm wrong. So what? I'm a human being. I can try to love and accept myself when, even when I'm wrong. Deep breath. Let all the toxins move out of your mouth. Even though I'm wrong at times. Even though others make me feel I'm wrong at times. Even though others make me feel I'm wrong all the time. I can still love and accept myself.
Is that a condition to love yourself, that you have to be right? Only then you'll love yourself. If you're wrong, you will hate yourself and punish yourself. Even though I am wrong at times, or maybe I'm wrong all the time, or maybe people think I'm wrong all the time. So what? I can still love myself and respect myself anyways. On the spleen point, even though, yes? Can we write down the sentence, the ones you are saying we might be wrong at all times also? Can we jot it down after doing the tapping? Of course you can. Yeah. Please, because you'll have to, you know, say it again for me. Of course. Even though I may be wrong all the time, according to other people. Yeah. Or according to me. So what? I will still not stop loving myself. True. So what if I'm wrong? That's not a condition to how I accept myself or love myself, even though I may be wrong at times. Or according to other people, I may be wrong all the time. So what? So what? Meri galti, meri body, mera dimag. Main is dimag ko, is body ko phir bhi pyar karu. I don't stop loving myself just because meri se aaj galti ho gayi. I don't stop loving myself. Sachin Tendulkar doesn't stop loving himself because he didn't hit that four. He gets on the field back again, practices, and goes and plays again. Doesn't he? Fauji kills one person, cannot kill the other person. He still goes the next day and fights the battle and comes back. Ma'am, meri kya galti agar main dance form mein exercise karti hu? If I enjoy the dance and they copy me. Koi galti nahi hai. Koi galti nahi hai. Aur galti hona insaan ki quality. Yes, ma'am. Body meri jitni capacity utna hi karungi na. I cannot overdo it. Bilkul, bilkul, bilkul. Chaliye, aage badhenge. Theek hai? Abhi fingers ke upar. Agar main cheezein alag tarike se karti hoon, to wo meri fitrat hai. Main, even if I do things differently, I can still love myself. Even if I sing differently, dance differently, exercise differently, I can still love myself. Even if I understand things differently, I can still love myself. Even if the whole world thinks I'm wrong, I can still accept myself. It's not a big deal. Thought pattern sirf maine change karna hai. दुनिया को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को चेंज करते करते आप पागल हो जाएंगे. सो इवन इफ आई एम नॉट परफेक्ट, इवन इफ आई एम फ्लॉड, इवन इफ आई मेक मिस्टेक्स, आई स्टिल लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ एनी वेज. और क्या है ना, हर खूबसूरत चीज ने और हर खूबसूरत इंसान ने कभी ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां करी हैं, और उन गलतियों से सीखना ज्यादा जरूरी. एंड आई कैन ओनली लर्न इफ आई लव मायसेल्फ. इवन दो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माय लाइफ एंड आई मे बी रॉन्ग और राइट, आई स्टिल लव एंड रिस्पेक्ट मायसेल्फ एनीवेज. इवन दो आई हैव मेड सो मेनी मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, तो क्या हुआ? So what? I still love and respect myself anyways. Phir se yahan pe, even though I may have made a lot of mistakes, to kya hua yaar? Insaan hoon, mujhse nahi galtiyan hongi, to kisse galtiyan hongi? Aur agar sara din bhi main galti karti hoon, to woh meri fitrat hai. Unke bawajood main apne aap ko pyar de sakti hoon. जब मुझे खुदा ने प्यार करना नहीं छोड़ा और अपने पास वापस नहीं बुला लिया, तो मैं इस दुनिया में अच्छे से जी सकती हूँ. ओके, हाउ इज एवरीबॉडी फीलिंग? हाउ इज एवरीबॉडी फीलिंग? व्हाट डिड यू जस्ट गेट? यस सुजाता,
yeah. Can you hear me? Can you hear me? Oh, loud and clear. Yes. I just remember one sentence. अपना पैर में thorns क्या बोलते हैं thorns जो मेरे पैर के अंदर कीला है. हाँ, तो कीले को निकालना, रोड को पूरा कारपेट करना अच्छा है कि अपने पैर को संभालना अच्छा है? Which is better? Better to protect our feet than to carpet the whole world. Right. दुनिया को हम नहीं बदल सकते. Very good. देखो मैम, देखो मैम, मैंने सुबह अपने हस्बैंड को लिखा, I broke down again and came back in spite of you saying come for exercise, don't feel, but I am not respected. I'll avoid and do at home. I have access to same exercises. Guru Kripa, सुबह मैं अमृत वेला 3 बजे गई थी. I didn't take steroid. I know you are my well-wishers. I'll pray from heart and God bless you all. मेरे हस्बैंड ने लिखा है, प्लीज स्टॉप बॉदरिंग सो मच अबाउट पीपल. डोंट हर्ट योर सेल्फ अननेसेसरली. बी इन पीपल बट बी डिटैच्ड. आई सेड ओके, लेट्स सी. They have called me after a few days. Otherwise, my son says, why you self-sabotage yourself? As I am on a recovery without steroids. So then their messages came. So this is my today. I did my art of living. Good job, Ruchika. Yes, ma'am. I am proud of myself, actually. Very good. So can we put our hand out like this, all of us? And do this to ourselves. मैंने गलतियां की तो भी अच्छा है, मैंने सुधार लिया तो भी अच्छा है, नहीं सुधारा है तो भी अच्छा है, पर मैं अपने आप से प्यार करना नहीं छोड़ने वाली. जिद है मेरी, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना. समझ गए? कुछ भी हो जाए, इस इंसान के साथ, अपने आप के साथ हमने प्यार नहीं छोड़ना है. पड़ जाए तेरे संग जग छोड़ना, है ना? क्योंकि यही एक शरीर है, आपकी बॉडी है, जो आपके साथ शुरू से लेके आखिरी तक रहती है. इसे पीटना बंद करें. और ये जो दिमाग है आपका ऊपर, ये भी आपके साथ लास्ट डे तक रहेगा. तो आपको नहीं लगता जाती कर रही हैं आप अपने आप को, पीट पीट के, मार मार के, मेरा दिमाग ऐसा, मेरे थॉट्स ऐसे, मेरी बॉडी ऐसी, मेरी थॉट्स भी ऐसे, मेरी बटन भी ऐसी, मेरी बॉडी भी ऐसी. अरे जैसी है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे ऋतिक रोशन कहता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं. समझे कि नहीं समझे? क्या बोलते हैं, समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे, जो ना समझे वो अनाड़ी है. आपको सिर्फ एक ही बात शांति से समझनी है, और वो है कि यू, योर हार्ट, योर ब्रेन, योर बॉडी इज मिरेकल Given by God to you. इतना बड़ा गिफ्ट तुम्हें दिया गया है, और तुम उसे पीट पीट के, पीट पीट के, पीट पीट के, पीट पीट के, क्यों? क्योंकि कोई तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में खुद को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है. और आप उसे पर्सनल स्टोरी समझ के बैठे, और इसके लिए वक्त लगता है. बस बहुत शांति चाहिए, और इसके लिए शायद 1 मिनट में और 1 सेकंड में आप समझ जाएं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूसरों के ऊपर और नेगेटिव थॉट्स के ऊपर. यही वक्त जो है इसे किसी अच्छे काम में लगा लें. पता है आपकी जिंदगी सवर जाएगी. बट वी हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इन अ स्पेस ऑफ लिम्बो एंड इन अ स्पेस वेयर वी थिंक वी आर राइट
the others who are wrong. There can be four people who are wrong and nobody right. And there can be four people who are right and nobody wrong. Socha hai kabhi? Socho, socho. Char log ek family ke sahi ho sakte hai. Aur koi bhi galat na hove. और ऐसे भी हो सकता है कि सब गलत है और कोई सही ना हो। कहाँ ढूंढने चले हैं आप, अपने आप को सही बनाने चले और गिल्ट और शेम के चक्कर में फंस गए। सिर्फ खुद को प्यार देना है और दूसरों को जो आपको इतने सारा कुछ कह रहे हैं उन्हें सिर्फ प्यार भेजना है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पीड़ित है, वो आपसे ज्यादा परेशानी में, वो चाहते नहीं है कि आप ये जाने, क्योंकि वो डरते हैं अपनी वीकनेस आपको दिखाने के। ओके, लेट्स गो टू द लास्ट स्लाइड्स। एंजेला, आई रेड योर मैसेज, थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड वी आर गोइंग ऑन द लास्ट स्लाइड्स। और लास्ट स्लाइड्स में ठहरिए, मैं इतनी आगे पीछे जाऊंगी, उससे अच्छा है सीधा वहां पहुंच जाती हूँ। चलिए, मैं आपको फीडबैक भेजूंगी, नोट्स भेजूंगी, आप मुझे फीडबैक भेजेंगे कि आज का सेशन आपको कैसे लगा। सेम टॉपिक पर हमने किया, उसे बिल्कुल अलग तरीके से आपकी लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश करी मैंने उसको। अभी मैं राइट थी कि रॉन्ग थी इसमें नहीं जाएंगे। आपको लगा कैसे, आपको कोई फायदा हुआ, कोई लर्निंग मिली, आपको कोई समझ में आई चीज, आपको लगा कि जिंदगी इतनी खराब नहीं है तो मेरा काम हो गया। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जिंदगी सिर्फ जिंदगी है, उसको हमने बहुत ज्यादा मीनिंग दे दिया और ये मीनिंग्स के साथ हमने बहुत सारी इमोशंस का जाल पाल लिया हमारे इर्द गिर्द। अगर आपको अच्छा लगा जो हम करते हैं, प्लीज इन्वाइट योर फ्रेंड, इन्वाइट पीपल, मेक देम हेल्प देम टू रजिस्टर फॉर दीज क्लासेस and get your learning, share your learning when you book the class. It's always nice to go and put on the Facebook and say, you know what, aaj humne ye kiya tha class mein aur mujhe ye ehsaas hua. Usse kya hota hai na, dusron ko milta hai ek jagah, unko bhi ek jagah milti hai express karne ki. Aap express karoge to unko lagta hai this is the right thing to do, to char log aur jaake express karte hain. Aur jab hum express karte hain na, तो हम नदी का रुख खोल देते हैं। We start flowing. We are not stopping ourselves. You can be an integral part of Get Set Up community by hosting an interest group, suggesting a new class, or by requesting the session recording by going on help@getsetup.io or download the Android app to get a recording on the Android devices. Thank you very, very much. I am very, very grateful, extremely in gratitude. We have 1 minute. If anybody wants to share or say anything, what they got learning from this forum today, I would be extremely grateful. Ma'am, today all the classes are tailor-made for me. So gratitude to all your new teachers. I'll especially write to Siddharth for everybody, Rita ma'am, you, whoever, Sarita ma'am, all have been helping me, Anju ma'am with my, you know, limb stiffness. So gratitude in this guilt session, you are awesome. Thank you so much. Thank you so, so much. Jyotsna kehti hai, thank you for the wonderful session. Thank you, Jyotsna. Anybody else wants to share something? Yes, Rhoda, please go. All the sessions are good, Anju. Anu, thank you. All the sessions are great. We enjoy it. Thank you. मतलब दिल कर रहा था इनका ब्लैकी बुलाने का। I'll call you Blackie. I'll call myself Blackie. पता है क्या है रोडा, तकाली इज रेड, दैट यू नो, तकाली इज रेड, दैट आई लर्न्ड, सी आई लर्न्ड निवान वर्ड, वेले 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 इज वाइट, यस, ओके, बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय अनु मैम, बाय, थैंक यू अनु मैम, बाय.